साल भर के इंतजार के बाद लीजिए दीपावली भी आ गई। अमावस्या की रात घर को रोशनी से जगमग करने की तैयारी में क्या गरीब और क्या अमीर, सभी अपने अपने तरीके से जुट रहे। लेकिन अपने लिए और अपने बच्चे के लिए अगर आप पटाखे खरीदने जा रहे हैं तो जरा रुकिए। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पटाखों को चलाने का समय निर्धारित कर दिया है? क्या आपको पता है कि पटाखे छोड़ने से हम सभी किन बीमारियों के शिकार हो सकते हैं? क्या आपको मालूम है कि आप अपने क्षण भर की खुशी के लिए पूरी प्रकृति को, अपने आसपास के पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी नहीं, आपको ये सब पता नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये सब पता होता तो आप इतना निर्दयी नहीं होते। प्लीज अपने बच्चे की भविष्य के बारे में सोचिए और ऐसा मत कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको ज़िंदगी की अहमियत समझ में आ जाए। बड़े इसे चलाएं या ना चलाएं, मगर बच्चों की जिद के आगे हुए बेबस हो जाते हैं और मजबूर होकर 100-200 से लेकर 1000 और 10000 रुपये तक के पटाखे खरीद लेते हैं। इनमें से कई पटाखे ऐसे होते हैं जो 125 डेसिबल की ध्वनि मात्रा से ज़्यादा होती है। ये वे पटाखे हैं जिन पर भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी पाबंदी लगा रखी है, मगर कोई सुनने को राजी नहीं है। 100 या 1000 बमों की लड़ियां, या जिसे लोग चटाई बम भी कहते हैं, उससे होने वाले विस्फोट और धुएं से तो आसपास का वातावरण बुरी तरह दूषित हो जाता है, इन पर भी सख्त पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। भारत में बढ़ती आबादी से वैसे ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, मगर दीपावली की रात पटाखों से निकलने वाले धुएं से यह प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। मगर कुछ पल की खुशी और पैसे के दिखावे के लिए लोग आंखें मूंदे रहते हैं। उन्हें शायद पता नहीं होता कि पटाखे जलाकर वायुमंडल में कितना प्रदूषण घोल रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में पिछले 3-4 साल से बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ हर साल कई स्कूली बच्चे पटाखे न चलाने की शपथ लेते हैं, हालांकि इस अभियान को पूरी सफलता मिलनी अभी बाकी है। दरअसल इन पटाखों में जिन रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है वह बेहद खतरनाक है। कॉपर, कैडियम, लेड, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, नाइट्रेट और नाइट्राइड जैसे रसायन का मिश्रण पटाखों को घातक बना देता है। इससे 125 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि होती है। अचानक इन पटाखों से फटने से आदमी कुछ पल के लिए बहरा हो जाता है, कई बार पीड़ित अस्थायी रूप से भी बहरा हो जाता है। पटाखों से निकली चिंगारी से हर साल सैकड़ों लोगों की आंखें और चेहरे जख्मी हो जाते हैं। सांस की बीमारी तो होती ही है, ऐसे समय में दम्मे के रोगी की परेशानी बढ़ जाती है, फिर भी लोग पटाखे जलाने के लिए क्यों उतावले हैं यह समझ से बाहर है। हर साल पटाखों से न सिर्फ दुकानें में बल्कि घरों में भी आग लग जाती है। ना जाने कितने लोग झुलस जाते हैं इन हादसों में, ना जाने कितने घरों की खुशियां भी झुलस जाती है। अगर इन पटाखों से घर के सदस्य, पड़ोसी और हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषण की चपेट में आ जाता है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या फिर भी हम अपने स्वार्थ, अपनी खुशी और दिखावे के लिए पटाखे चलाते रहेंगे? जी नहीं, दुखद यह है कि इन पटाखों को बनाने वाले ज़्यादातर बच्चे और किशोर होते हैं। उन पर खतरनाक रसायनों का भयावह असर होता है। कुछ सालों के बाद वे बीमार हो जाते हैं और युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उनकी मृत्यु हो जाती है। पटाखों के संबंध में कई नियम भी बने, पर जब लोगों को अपने पर्यावरण की ही चिंता नहीं तो कानून नियम की क्या रहेगी। निद्रा मनुष्य को मौलिक अधिकार है, इसे ध्यान में रखते हुए ही सितंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे के बाद ज़्यादा शोर और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे चलाने पर अंकुश लगाया था, मगर फिर भी लोग देर रात तक पटाखे चलाते नजर आते हैं। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कोर्ट और धार्मिक स्थलों से 100 किलोमीटर की दूरी तक पटाखे ना चलाने के नियम बने हैं। सर्वोच्च अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि पटाखे सिर्फ शाम 6 बजे से
रात 10 बजे तक 20 से भी ज़्यादा ऐसे पटाखों पर बंदिश लगाई गई है जो 125 डेसिबल की ध्वनि सीमा से ज़्यादा थे। जहाँ तक कि अक्टूबर 1999 में ऐसे पटाखे बनाने पर भी बंदिश लगाई गई थी जिनका विस्फोट 125 डेसिबल से ज़्यादा था, मगर आज भी इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है। दीपावली भारत का ही नहीं बल्कि विश्व भर में हिंदुओं का त्यौहार है। इसमें अन्य धर्मों के लोग भी उत्साह से शामिल होते हैं। इसकी पवित्रता को यूं ही धुएं में ना उड़ाएं। इस त्यौहार को मनाने के लिए घर को सजाकर उसे दिए, मोमबत्ती और बिजली के बल्बों से जगमगा दें। मुख्य द्वार और आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं इस दिन बच्चों बड़ों के लिए कई तरह के पकवान बना सकती है। गणेश लक्ष्मी की पूजा के बाद अपने घर की सजावट को निहारें, इससे बेहद खुशी मिलेगी। ईश्वर की बनाई इस सुंदर प्रकृति को बचाए रखने में अपना योगदान दें। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप सच्चे भारत के निवासी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे देशवासियों की सुरक्षा हो सके।